नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह। जैसा कि आप लोग YouTube स्टूडियो में या YouTube चैनल अगर कोई चला रहे हैं तो आप लोग मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करके रखते हैं, तो मैंने भी YouTube पर स्टूडियो पर मल्टीपल अकाउंट लॉगिन करके रखा था। लेकिन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो है, जैसे YouTube स्टूडियो मैंने ओपन करने की कोशिश की और तो वहाँ पर एरर आ रही थी, तो उस एरर का क्या सॉल्यूशन है इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों तक रेगुलर अपडेट मिलता रहे और जो भी न्यू अपडेट आता है वो आपको चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं वो यूट्यूब स्टूडियो। तो मैं अपने फ़ोन में यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ, तो जैसा कि अब आपके सामने स्क्रीन ओपन हो रही है, यहाँ पर आप देखिए जब मैं अकाउंट पर स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे एन एरर ऑकर्ड का मैसेज आता है। तो अब मैंने ट्राई किया एक दो बार और रिफ्रेश करके, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो उसके बाद सबसे पहले आपको इसका समाधान करने के लिए आपको जाना है अपने फ़ोन में सेटिंग ऑप्शन पर आप लोग जाएंगे। तो सबसे पहले फ़ोन में मैं सेटिंग ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ। ये फ़ोन का सेटिंग ऑप्शन ओपन हो रहा है। सेटिंग के बाद आपको, आप अपने फ़ोन में देख लीजिए, एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन होगा या तो एप्लीकेशंस एंड परमिशंस का ऑप्शन दिया होगा। जैसे मेरे फ़ोन में जो है एप्लीकेशंस एंड परमिशन नाम से है, हो सकता है आपके फ़ोन में ऐप मैनेजर या एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से होगा, तो उसको ओपन कर लीजिए आप लोग। एप्लीकेशन मैनेजर ओपन करने के बाद आप इसमें देख लीजिए, आपका यूट्यूब होगा एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन में मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ। यूट्यूब पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फोर्स स्टॉप है, उस पर आप क्लिक कर देंगे और जो भी इसकी मेमोरी है वो क्लियर कैसे आप कर देंगे, डाटा जो भी है क्लियर कर देंगे, जैसा कि आपको ऊपर वीडियो में दिख भी रहा होगा। तो डाटा क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये डाटा क्लियर होने के बाद आप दोबारा स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे और क्योंकि यहाँ से क्लियर होने के बाद थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लेगा, तो 4 से 5 मिनट के बाद आप जब YouTube स्टूडियो दोबारा ओपन करेंगे तो इस बार जब आपकी जो एरर थी वो ख़त्म हो जाएगी और आप मल्टीपल अकाउंट में आप फिर से लॉगिन कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।